एक प्रेग्नेंट महिला ट्रेन से सफर कर रही हो और अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए तो कल्पना कीजिए कैसा माहौल रहता होगा, अफरा तफरी सी मच जाए। अगर ट्रेन परिचालन में जुटे लोग संवेदनशील हो तो न केवल अफरा तफरी रोकी जा सकती है बल्कि समय से मेडिकल सहायता भी पहुंचाई जा सकती है। कुछ ऐसा ही नजारा गुरुवार को औरिहार से गाजीपुर रेलवे स्टेशन के बीच देखने को मिला। असल में कंट्रोल वाराणसी से सूचना मिली कि गाड़ी संख्या 01061 लोकमान्य तिलक दरभंगा के कोच संख्या S3 बर्थ नंबर 10 पर महिला रंजू देवी उम्र 22 वर्ष पत्नी श्री पप्पू कुमार निवासी ग्राम जगधर थाना नाखुनपुर जिला मधुबनी बिहार यात्रा कल्याण से दरभंगा को काफी तेज प्रसव पीड़ा हो रही है। ट्रेन औरिहार जंक्शन से चल चुकी है। निरीक्षक गाजीपुर सिटी उदय राज ने एम्बुलेंस 102 पर कॉल कर स्टेशन अधीक्षक रामायण सिंह यादव, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक उषा देवी, ASI सुनील कुमार यादव व अन्य स्टाफ के साथ स्टेशन पर महिला को ट्रेन से उतरवाया। आइए RPF प्रभारी से इस पूरे मामले को जानते हैं। संख्या 01061 पवन एक्सप्रेस, ये लोकमान्य तिलक से दरभंगा में सूचना मिली थी, गाड़ी औरिहार जंक्शन से निकल चुकी है और इसमें बर्थ संख्या कोच संख्या S3 में बर्थ संख्या 10 पर एक महिला है रंजू देवी, जिसकी डिलीवरी होने वाली है, परसों पीड़ा हो रही है। इसी आधार पर स्टेशन अधीक्षक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक व अन्य स्टाफ को सूचित करते हुए उक्त गाड़ी को लगभग 4:15 शाम को अटेंड किया गया है और 102 एम्बुलेंस को बुलाकर उस महिला को उतार कर स्ट्रेचर में लेकर उसमें एम्बुलेंस में बिठवाया गया और उसको सुरक्षित वहाँ पर भिजवाया गया है। क्या स्थितियाँ हैं सर? अभी बात किया था हमारे अधिकारी ने, हमारे जो स्टाफ ने, तो उनसे बात नहीं हो पाई, मतलब बात हुई है लेकिन अभी उसका परसों चल रहा है लेकिन उसको बच्चा नहीं हुआ है अभी। ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, ये रहने वाले हैं मधुबनी, बिहार के रहने वाले हैं और मधुबनी जा रहे थे स्टेशन से। महिला को ट्रेन से उतारने के बाद एम्बुलेंस में बैठाकर जिला महिला अस्पताल गाजीपुर तक पहुंचवाया। इस वजह से ट्रेन को मात्र 3 मिनट के विलंब का सामना करना पड़ा, यानी ये सारा काम न केवल पूरी मानवता से बल्कि तेजी से भी अंजाम दिया गया। इस नेक कार्य में SI लाल सिंह, हेड कांस्टेबल रामजी सिंह यादव, कांस्टेबल फूलचंद सरोज, कांस्टेबल कृष्ण कुमार यादव, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार गौड़ आदि लोग शामिल रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।